भंगी बुद्ध, भग्न बुद्ध या भगवा या भगवा या भगवान बुद्ध या तथागत बुद्ध, बहुत सारे नाम हैं, हजारों से भी ज्यादा नाम है। जो पहले से बोलते थे कि 1008 नाम है, 1008 से भी ज्यादा नाम है। पूरा त्रिपिटक देखेंगे तो उसमें बुद्ध के गुणवाचक हजारों नाम मिलते हैं। कुछ नाम मैंने यहाँ बताए भी हैं, कुछ अभी मैं और आगे बताऊंगा भी। तो यहाँ जो ये वीडियो है, ये है डिप्रेशन के बारे में, अवसाद के बारे में, भगवान बुद्ध और डिप्रेशन। बहुत सारे लोगों की डिमांड आई कि आप भगवान बुद्ध और डिप्रेशन के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग अवसाद से और डिप्रेशन से परेशान हैं। और उससे भी ज्यादा जो बुरी बात है वो ये है कि लोगों ने डिप्रेशन दूर करने का, अवसाद दूर करने का, और ये जो मन मरा हुआ होता है इसका व्यवसाय किया हुआ है और व्यापार किया हुआ है। लोग इस कदर व्यापार कर रहे हैं कि तरह तरह के, हजार तरह के उपाय बना बना के बेच रहे हैं। उनकी वीडियो चल रही हैं, उनके सेंटर चल रहे हैं जहां वो कहते हैं कि हम डिप्रेशन दूर दूर करेंगे, और उसमें लोग जाते हैं, मगर डिप्रेशन दूर नहीं होता। इस कारण से लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि भगवान बुद्ध के समय में डिप्रेशन कैसे दूर होता था और भगवान बुद्ध इसके लिए क्या करते थे। दरअसल हकीकत यह है कि भगवान बुद्ध डिप्रेशन के दूर करने के अब तक के सबसे बड़े डॉक्टर रहे हैं, सबसे बड़े चिकित्सक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो सारा का सारा मन का विज्ञान ही, यानी कि जो नाम है और जो रूप है या जो सॉफ्टवेयर है जैसे काम करता है, वही सीखा और वही लोगों को सिखाया। और उन्होंने अपने जैसे हजारों डॉक्टर भी, मनोचिकित्सक पैदा किए, जो पूरे जगह जगह घूमकर भारत में उस समय लोगों का उपचार करते थे। बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें, जैसे किसा गौतमी है, किसा गौतमी बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, पागल हो गई थी, और बहुत ज़्यादा, जैसे पटाचारा है जिसका पूरा का पूरा परिवार, जिसका मायका, बच्चे, परिवार, माता पिता, भाई बहन एक ही दिन में समाप्त हो गए थे। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें उन्होंने मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय लोगों को ठीक किया और उनके जीवन को सफल किया। उससे पता चलता है कि उन्होंने, और उनकी जितनी भी धमपद में कहानियां हैं या जितनी भी जो रोचक बातें हैं, वो सभी मनोविज्ञान से, और उन्होंने बहुत सारे लोगों का अवसाद और डिप्रेशन दूर किया। इसलिए ये जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, ये वीडियो आप उनको भेजें जो डिप्रेशन से या अवसाद से परेशान हैं, और जिनको बेचारों को ये भी नहीं पता कि उन्हें डिप्रेशन है या वो अवसाद में, या बहुत ज़्यादा उनका मन विक्षिप्त हो चुका है, डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, उनको जरूर भेजें। तीन बातें होती हैं जो मन से पता चलता है कि हम कब डिप्रेशन में और कब अवसाद में जा रहे हैं। एक, हमारा मन कहता है कि हमें कोई चीज चाहिए 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 और वो हमें ना मिले, और वो हमारे मन में घिर जाए, उसकी एक फाइल बन जाए, और वो बार 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 रिपीट हो, बार 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 उसकी पुनरावृत्ति हो, बार बार वो आए मन में कि हमको ये चाहिए ये चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे वो कोई जगह है या कोई जमीन है, घूमना है, फिरना है, या मन में कोई आपने पैदा कर लिया है, मन के अंदर कोई चीज़ पैदा कर ली है, बेशक वो बाहर नहीं है मगर आपने मन में पैदा कर ली है। कोई खाना भी हो सकता है, कोई बातचीत भी हो सकती है, कोई फोटो भी हो सकता है, कोई रुपये, कोई पैसा, कोई धन, कोई काम वासना में कोई नर कोई नारी, कोई जो वात्सल्य है जिसमें तृष्णा होती है, कोई बच्चा, उसका प्यार दुलार, या कुछ करने की इच्छा जो, या कोई नाम या प्रसिद्धि, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको चाहिए 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 और वो आपको नहीं मिल पा रहा है, या कम मिला और आपको ज़्यादा चाहिए, या ज़्यादा मिला तो और ज़्यादा चाहिए, और उसका रिपीटिशन, उसकी पुनरावृत्ति आपके माइंड में होती गई होती गई होती गई, या उसकी उम्मीद की, अगर उसकी उम्मीद है और उसकी फाइल बननी शुरू हो गई, तो वो एक बहुत ज़्यादा मन के स्पेस को, यानी कि जो आपका मन है, माइंड है, उसकी सारी एनर्जी को वो सक कर लेता है, खींच लेता है। दूसरा कारण है, जब आपको नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, यानी कि आपको कोई वस्तु है, कोई जगह है, कोई स्थान है, कोई भी कैसी चीज़ है जो मैंने अभी पहले बताई है, अगर वो उनको नहीं चाहिए, मान लो कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता, वो नहीं आना चाहिए, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, वो नहीं आना चाहिए, कोई बच्चा अच्छा नहीं लगता, वो नहीं आना चाहिए, कोई दूर कहीं दफ्तर में कोई बैठा है वो अच्छा नहीं लगता, वो नहीं आना चाहिए, कोई खाना अच्छा नहीं लगता, या कोई जगह अच्छी नहीं लगती, या कोई एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगता, या आपको कहीं कोई
आपका कुछ ले जा रहा है वो अच्छा नहीं लगता, या आपका कुछ खो गया है वो अच्छा नहीं लगता, या आपको कहीं भय लग रहा है वो अच्छा नहीं लगता, यानी कोई भी मन में ऐसी स्थिति है जो आपको नहीं चाहिए और वो आपको मिलने की संभावना है या वो आपको मिल रही है या कम मिली है फिर ज़्यादा मिलने वाली है फिर और ज़्यादा मिलने वाली है या मिल रही है ऐसी स्थिति में। और तीसरी स्थिति है जब कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, यानी कि कभी मन करे कि ये चाहिए 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 और कभी मन करे ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए और वो इकट्ठा होता रहे बड़ा होता रहे मन के अंदर, उस समय ये जो इसको जो चाहिए चाहिए इसको राग बोलते हैं और जो नहीं चाहिए उसको द्वेष बोलते हैं और जो कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए उसको मोह और मूर्ता बोलते हैं। मोह वो वाला शब्द नहीं है जो बच्चे से मोह होता है या माँ से मोह होता है या किसी खाने से मोह होता है, मोह पाली का अंदर है, मोह मूर्ता इसको बोलते हैं, कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए। तो तीन शब्द के तीन चीजों की वजह से हमें अवसाद आता है, डिप्रेशन आता है, हमारा मन मरना शुरू हो जाता है, हमारा जो मन है वो मृत्यु की तरफ जाना शुरू होता है। राग यानी चाहिए, द्वेष यानी कि नहीं चाहिए और कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए यानी मोह मूर्ता की पोजिशन और स्थिति। जब ये स्थिति बढ़ जाती है और इसकी फाइलें ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसका रिपीटेशन ज्यादा होता है, तो एक समय ऐसा आता है कि आपको आपकी सोच में आपके मन में इसके अलावा कोई बात ही नहीं आती, और जब इसके अलावा कोई बात नहीं आती तब आपके सारे काम बंद हो जाते हैं, सारी फाइलें बंद हो जाती हैं, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर यही फाइल खुलेगी आपको या तो चाहिए चाहिए या नहीं चाहिए या कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए। इस स्थिति को जनरल भाषा में कहते हैं पागल हो गया, कहते इसका दिमाग खराब हो गया, इसकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, इसका मेंटल डिसऑर्डर हो गया, ये डिप्रेशन में चला गया, ये अवसाद में चला गया। जब सारी फाइलें वो बंद कर देता है और सारा स्पेस माइंड का और सारा स्पेस आपकी मेमोरी का यही फाइल घेर लेती है और ये रिपीट होती है रिपीट होती है, ठीक ऐसे रिपीट होती है जैसे आपके कंप्यूटर में कोई वायरस डाल दे और वायरस लगातार जितनी बार आप उसे डिलीट करेंगे उतनी बार वो और बढ़ जाता है। ऐसे वायरस कई आए हैं कि एक फाइल बनेगी, आप जैसे उसको डिलीट करेंगे, डिलीट का बटन दबाएंगे, वो 10 फाइल और तैयार कर देगा, 10 दबाएंगे तो वो 100 कर देगा, 100 दबाएंगे तो 1000 कर देगा, 10 times मल्टीप्लाई होता रहता है और वो सारे सिस्टम को अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक ऐसे ही, क्योंकि सारा सिस्टम कंप्यूटर का माइंड का वही है और माइंड के सिस्टम को देख के ही सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, तो उसमें जो रिपीटेशन हो रहा है वो रिपीटेशन सारी एनर्जी सारी फाइल पे कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद में वो आपकी हर फाइल को बंद कर देता है। अब आपको ना तो भूख लगेगी, आपको कितना ही स्वादिष्ट खाना आपके सामने रख दो आपका मन उसमें आ जाए वो फाइल ही नहीं खुलेगी खाने की, तो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। आपके शरीर की एक्टिविटीज कम हो जाएंगी क्योंकि जो एक्टिविटीज आपके शरीर में आपको हेल्दी बनाने की लगती हैं वो फाइलें बंद होनी शुरू हो जाएंगी, तो आपका शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा, आप किसी काम में ध्यान नहीं देंगे, आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो अंदर तक जा नहीं रहा है, सिर्फ आंखों तक है, वो मन में नहीं आ रहा है, मन में तो कब्जा हो रहा है किसी और चीज का, तो जो देख रहे हैं वो अच्छा नहीं लगेगा। कोई गाना सुनेंगे आप तो वो गाना अच्छा नहीं लगेगा, कोई पिक्चर देखेंगे तो वो पिक्चर अच्छी नहीं लगेगी, कुछ बहुत ज्यादा जो आपका स्वादिष्ट खाना जो आप हमेशा खाते हैं वो खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप घूमने के शौकीन हैं घूमने जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, आप अगर कपड़े पहनने के शौकीन हैं कपड़ा पहनना अच्छा लगता है तो वो भी आपकी फाइल नहीं खुलेगी, यानी धीरे धीरे करके वो आपकी सारी फाइलों पर कब्जा कर लेगा और फिर वो आपकी डेथ की फाइल खोलता है, क्योंकि जितने भी डिप्रेशन है या जितनी भी निगेटिव एनर्जी है उनका एक काम है कि आपकी डेथ की फाइल को, डेथ की फाइल ऑलमोस्ट जब पैदा होते हैं तभी बनती है और वो खुली रहती है मगर वो एक्टिवेट नहीं हो पाती या उसकी एक्टिवेट की स्पीड बहुत कम होती है, मगर वो उसकी एक्टिवेशन की स्पीड को बढ़ा देता है और आपका शरीर डीके 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 होता है अनंत, वो आपको बार बार उकसाता है और वो ये कहता है कि आप अपनी डेथ की फाइल को तेजी से आगे बढ़ाओ और वो आप वही काम करना शुरू कर देते हैं जो आपका माइंड आपको कहता है कंट्रोल करता है कि आप इसको आगे बढ़ाएं आप इसको आगे बढ़ाएं आप इसको आगे बढ़ाएं आप इसको आगे बढ़ाएं, और वो डेथ की फाइल ही खुली रहती है जो उस समय सबसे ज्यादा एनर्जी लेती है और सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ती है। इसलिए डिप्रेशन का जो शिकार व्यक्ति है उसको ये समझ में नहीं आता कि उसका मरने का मन क्यों कर रहा है, वो क्यों मरना चाहता है, उसको ये पता नहीं चल पाता कि ये उसकी मरने की इच्छा आई कैसे, क्योंकि ह्यूमन सॉफ्टवेयर के अंदर ह्यूमन के अंदर मरने की इच्छा नहीं आती। एक 100 साल का 200 साल का व्यक्ति जो जीवित होगा अगर आप उससे कहोगे कि बाबा क्या कष्ट है अम्मा क्या कष्ट है तो वो कहेंगे हाथ नहीं चलते पैर नहीं चलते आंखें खराब हो गई सुनाई देता नहीं है, अरे हमें तो हम तो चले जाएं यहाँ से हमें तो दुनिया से उठ जाएं हम तो मर जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जैसे ही आप उनसे कहोगे कल आपका मरने का दिन है आप मरोगे तो कहेंगे नहीं अभी हमें नहीं मरना अभी तो हमें 100 साल जीना है,
यानी डेथ की फाइल को ओवरकम करके आदमी हमेशा जीवित रहना चाहता है और वो अपनी डेथ की फाइल को हमेशा बंद करके रखता है, दबा के नहीं मरना है, नहीं मरना है। मगर डिप्रेशन में उल्टा हो जाता है, डिप्रेशन में आपके जो जीने वाली फाइल है वो उस पर भी कब्जा कर लेता है डिप्रेशन। यानी वो जो चाहिए 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 जो राग है और जो द्वेष है और जो मोह मूर्ता है, वो उस जो जीवन की फाइल है, लाइफ की फाइल है जिसमें आप जीना चाहते हैं और जिस फाइल में ये सारे डाटा होते हैं, कोड होते हैं कि हमको हमेशा जीना है, हमें मरना नहीं है, वो फाइल भी एक्टिवेट नहीं होती। इसलिए उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसके मरने की इच्छा कैसे उत्पन्न हो गई और जीने की इच्छा कैसे खत्म हो गई। इसका बहुत लोगों ने व्यापार बनाया हुआ है, सारी दुनिया में इसका व्यापार है, जबकि पता या किसी को नहीं है। बुद्ध के अलावा कोई नहीं जानता कि डिप्रेशन की फाइल कैसे बनती है, कैसे खत्म होती है, कैसे परमानेंट जाती है और कैसे आती है। सब लोग इसके सिम्टम्स पर काम करते हैं, कहते हैं अच्छा आपको खराब लग रहा है तो आप कोई गाना सुन लीजिए, ऐसा कीजिए अपना मनपसंद गाना सुन लीजिए, कोई कहेगा कि एक काम करो अपने दोस्तों से मिल लो, कोई कहेगा कि अपने दोस्तों को फोन कर लो, कोई कहेगा कि एक काम करो शराब पी लो, कोई कहेगा कि सिगरेट पी लो इससे ठीक हो जाओगे, कोई कहेगा कि यार दोस्तों के साथ बाहर घुमाओ, कोई कहेगा कि काम वासना में चले जाओ रंगरेलियां मना लो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कोई कहेगा कुछ पैसा खर्च करके शॉपिंग कर लो, कोई कहेगा कुछ नया कपड़ा पहन लो, कोई कहेगा चलो पार्टी में चलो वहां गाना वाना खाना दारू वारू पीना ठीक हो जाओगे, 50 तरह की बात है। कोई कहेगा कि पानी पियो, कोई कहेगा गाना खाओ, कोई कहेगा जोर से चिल्लाओ, कोई कहेगा अपना मनपसंद का पढ़ो। ये सारे सिम्टोमेटिक हैं, छोटा सा इलाज है, जब तक आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तब तक के लिए, वो भी चांस है। अगर डिप्रेशन की फाइल ज्यादा हावी हो गई है ज्यादा और स्पेस नहीं है तो फिर आपका किसी पार्टी में मन नहीं लगेगा, वो आपकी सांसों को धीरे धीरे तोड़ेगा। डिप्रेशन की फाइल जब बंद हो जाती है तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, आपको बार बार ऐसा लगेगा जैसे आपको सांस नहीं आ रही है। हकीकत में होता यह है कि डिप्रेशन की फाइल इतनी बड़ी और हैवी हो जाती है कि वो पूरे ब्रेन पे कब्जा कर लेती है और ब्रेन को उस समय ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए, तो आपको उस समय ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ज्यादा ऑक्सीजन के लिए ज्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है, तो ब्लड के लिए हार्ट पंप करेगा तो ऐसा लगता है जैसे हमारा हार्ट फेल होने जा रहा है, हमें बेचैनी हो रही है और हम उस समय बहुत परेशान हो जाते हैं। सांस नहीं टूटती क्योंकि सांस टूटने का मैकेनिज्म बॉडी के अंदर नहीं होता, डिप्रेशन के अंदर अपने आप सांस नहीं टूटेगी, मगर आपको परेशानी और बेचैनी होगी, आप लगातार पानी पियेंगे, बार बार आपका होंठ सूख जाएगा, बार बार आपका मुंह सूख जाएगा, बार बार आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी बॉडी गर्म हो रही है, बार बार ऐसा लगेगा जैसे हाथ पैरों में दम नहीं है, क्योंकि सारी एनर्जी तो ब्रेन में जा रही है, सारी एनर्जी जो आपका प्रोसेसर है उसमें जा रही है, माइंड ने पूरा कब्जा किया हुआ है, ब्रेन को काम पे लगाया हुआ है और हाथ पैर ठंडे रहेंगे। ये डिप्रेशन का एक होता है। डिप्रेशन में बहुत सारे सिम्टम आते हैं, कई बार डिप्रेशन में उग्र भी हो जाता है आदमी, क्योंकि वो सोचता है, जबरदस्ती अपनी फाइल खोलने की कोशिश करता है तो कहता है कि मैं इस डिप्रेशन को पूरी तरह से खत्म करूंगा, अब मैं लड़ूंगा और अब मैं ऐसा सोचूंगा, तो वो उल्टे काम करने की कोशिश करता है ताकि उससे निकल जाए, यानी उस फाइल से निकल जाए, इसलिए वो ऐसी हरकतें भी करेगा जिसमें वो इन्वॉल्व हो जाए और उसका माइंड इन्वॉल्व हो जाए, मगर ये बहुत छोटे पीरियड के लिए रहेगा और आपका नुकसान हो जाएगा। कई बार डिप्रेशन में आदमी अपने आप को क्षति भी पहुंचा लेता है, वो ज्यादा कहता है कि मैं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा, तो अपने हाथ पैर भी कई बार तोड़ लेता है, कई बार नुकसान पहुंचा लेता है। डिप्रेशन में सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है और पता चलता है, वो जो नाभि है पेट की, जो नेवल है उसके बीच में और दोनों टांगों के बीच में जो पेट होता है, उस पेट पे आपको उसकी फीलिंग्स आती है, वेदनाएं आती हैं, संवेदनाएं आती हैं, उसकी तरंगें आती हैं, उसकी वेव्स आती हैं, वहां ऐसा लगता है कि पेट में कुछ ऐंठा मरोड़ा सा, कुछ ट्विस्ट सा हो रहा है, और वो ट्विस्ट से पता चलता है कि आपका डिप्रेशन किस क्वालिटी का, कितना बड़ा और कैसा है। डिप्रेशन में आप सोने की कोशिश भी करेंगे तो नींद नहीं आएगी, जागने की कोशिश करेंगे तो आप जाग नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी नींद वाली फाइल और जागने वाली फाइल सब ओवरपावर हो चुकी है, सारी कंट्रोल में जा चुकी है। डिप्रेशन का साइकिल 8 में होता है, यानी कि वो बार बार रिपीट होता है और उसी में घूमता रहता है, उससे निकलने का रास्ता अमूमन किसी के पास होता नहीं है। और डिप्रेशन को जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मुझे डिप्रेशन है, अवसाद है या मैं फंस चुका हूं, तब तक आप उससे लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसे मानेंगे नहीं और वो अपना काम करेगा, तो उसकी तो जीत हो जाएगी कि वो लगातार बढ़ता रहेगा, आप उसको मान ही रहे, जब मानेंगे नहीं तो उसका इलाज भी होना मुश्किल है। तो बहुत सारे आप लोगों से पूछेंगे, लोगों को जितनी ज्यादा समझ होती है उतना ही वो बता देते हैं। डिप्रेशन की दवाई और गोली भी है। दवाई गोली क्या है? दवाई गोली खा के वो आपके जो सोचने की जो प्रक्रिया है उसको नशे में डाल देते हैं और वहां वो शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है सोचने की प्रक्रिया, उससे रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, तो आप 24 घंटे नींद सी में रहेंगे, आप अलर्ट नहीं रहेंगे। ये डिप्रेशन की दवाइयां होती हैं जो आपको
आपके सॉफ्टवेयर की स्पीड को कम कर देती हैं, आपके सोचने की जो स्पीड है उसको कम कर देती हैं और आपको रिलैक्स देती हैं, आपकी मसल्स को रिलैक्स देती हैं, आपको नींद देती हैं। उसमें थोड़ा सा आराम मिलता है, मगर वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा दवाई खाते रहेंगे, नशे में रहेंगे, डिप्रेशन दूर नहीं होगा। तो डिप्रेशन के लिए जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं या जितने भी लोग बताते हैं या जितने भी बताते हैं, वो सब सिम्टोमेटिक हैं, सब अपना दुकान चलाते हैं, किसी के पास परमानेंट इलाज इसका नहीं है सिवाय बुद्ध को छोड़कर। अब बुद्ध को छोड़कर कैसे है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आपको डिप्रेशन का साइकिल आ गया है। डिप्रेशन का साइकिल अमूमन आदमी सोचता है कि अरे मुझे भूख नहीं लग रही है तो डॉक्टर को दिखाएगा, कोई कारण होगा। अरे मुझे नींद नहीं आ रही है तो कोई कारण होगा। अरे मेरा किसी का कोई काम करने का मन नहीं कर रहा तो कोई कारण होगा। वो ऐसे कारणों में जाते हैं, डिप्रेशन के डॉक्टर के पास नहीं जाते जो अच्छी तरह से उसको देख ले। जब आपको ये एनालिसिस हो जाए या आपको स्वयं अगर ये पता चल जाए कि आपके साथ जो हो रहा है बाकी सब फिट है, सिर्फ डिप्रेशन है, आपका मन फंस चुका है, तो आपको विपस्सना जाना होगा। विपस्सना वो टेक्निक है जो डिप्रेशन को जड़ से खत्म कर देती है। और आप डिप्रेशन को जैसे आते हुए अगर जानकार हैं, समझदार हैं, देख सकते हैं, तो डिप्रेशन भी जाते हुए दिखाई देता है। डिप्रेशन धीरे 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 करके किसी का चौथे दिन, किसी का पांचवें दिन, किसी का छठे दिन, किसी का सातवें दिन और दसवें दिन तक तो सबका डिप्रेशन दूर हो ही जाता है, अगर वहां जैसे बताते हैं उस टेक्निक के हिसाब से आप विपस्सना करते हैं, साधना करते हैं। बुद्ध ने जो रिपीटेशन ऑफ फाइल है उस रिपीटेशन ऑफ फाइल को बिल्कुल नहीं छेड़ा, उन्होंने उसको बिल्कुल शांत कर दिया और विपस्सना साधना के थ्रू एक दूसरे काम में लगाया, जिस दूसरे काम में रिपीटेशन नहीं होता बल्कि रिमूवल ऑफ फाइल्स होता है, यानी जो फाइल बनी है वो डायरेक्ट रिमूव होनी शुरू हो जाती है, उनको स्टॉप नहीं करते, ना ही उसमें एनर्जी लगाते, उनको उस विपस्सना की टेक्निक से वो डिलीट होनी शुरू हो जाती है। और वो फाइल जैसे 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 डिलीट होती है, ठीक ऐसे होती है जैसे किसी फोल्डर के अंदर 1000 फाइल है। तो जैसे जैसे विपस्सना करते जाते हैं और जितनी अच्छी विपस्सना करते जाते हैं, अच्छी से मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करते जाते हैं। आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए 100%, तो आपकी विपस्सना साधना बढ़िया होगी, तो फाइलें रिमूवल और डिलीट होती हैं परमानेंट, वो बहुत तेजी से हो जाती हैं। और एक समय आता है कि जब उनकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है और वो सारी सारी फोल्डरी और फोल्डरी गायब हो जाता है उसका, तो आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं। इस बात को आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि डिप्रेशन का साइकिल मेरे ऊपर आया था, और जब डिप्रेशन का साइकिल मेरे ऊपर आया था तो मैंने उस साइकिल को आते हुए देखा, बड़ा खतरनाक होता है। डेथ की फाइल खोल दी उसने, मेरे चेहरे का रंग बिगाड़ दिया, मेरा उसने वेट खत्म कर दिया। दो तीन चीजें आपस में मिल गई, एक राग वाली और एक द्वेष वाली और एक मोह मूर्ता वाली, उन सबने मिलकर अटैक किया, सारा माइंड मेरा कब्जे में कर लिया। एक एक स्थिति मैंने देखी, एक एक चीज मैंने देखी। फिर मैंने टीचर से कहा कि मुझे विपस्सना का सीट चाहिए, क्योंकि मैं पहले से विपस्सना करने वाला हूं, तो मैं जानता था कि ये अनलॉक वहीं होगा और वहीं डिलीट होगा और वहीं रिमूव होगा। दवाइयों से तो ये होता नहीं, क्योंकि ये साइकोसोमेटिक है, इसकी कोई दवाई नहीं होती। ये आता भी बिना दवाई के है और जाता भी बिना दवाई के है। डिप्रेशन कभी भी किसी चीज के खाने से या पीने से या शरीर खराब करने से नहीं आता, मन से आता है। मन में जो सिचुएशन पैदा होती है उनसे आता है, तो जाएगा भी मन से ही, दवाई से नहीं जा सकता, क्योंकि किसी खराब खाने से आया नहीं, किसी दवाई खाने से आया नहीं, तो आया कैसे, मन से आया है, तो जाएगा कैसे, मन से ही जाएगा। यानी उसको आते जाते आप महसूस तो कर सकते हो, मगर वो कहीं हवा में दिखाई नहीं देता। तो मैंने उसको जाते हुए देखा, सातवें दिन तक 90% डिप्रेशन मेरा खत्म हो गया, और जब मैं वहां से आया तो ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक था, फिर मेरी हेल्थ ठीक हो गई। ये मैं आपको जो दो फोटो दिखा रहा हूं, आप देखिए कि ये मेरे डिप्रेशन के समय के फोटो हैं, जब मैं डिप्रेशन में था, और अब मैं आपके सामने बैठ के आपको मोटिवेट कर रहा हूं और डिप्रेशन के बारे में बता रहा हूं। मेरे घर में 17 डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इतने काबिल डॉक्टर हैं, प्रोफेसर भी हैं, और उन सबसे मेरी बात होती है, क्योंकि हम डॉक्टर का उनका पैसा है, मगर मेरे साथ पैसा नहीं है, मैं तो उनका भाई हूं, तो हम क्लियर बात करते हैं। तो कहते हैं कि डिप्रेशन का कोई इलाज और कोई दवाई दुनिया में है ही नहीं, सिम्टोमेटिक दवाई है, सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। जो भगवान बुद्ध ने डिप्रेशन का इलाज दिया उससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। लोग उस इलाज को अपने नाम से कहीं बेचें अलग बात है, मगर जो उन्होंने दिया विपस्सना में वही है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, भगवान बुद्ध यानी जो बुद्ध होते हैं, जो बुद्ध बनते हैं, जो बोधि प्राप्त करते हैं, उनके पास में ताकत आती है, वो अपनी डेथ की फाइल को होल्ड कर लेते हैं, यानी कि इच्छा मृत्यु में आ जाते हैं। बुद्ध हमेशा इच्छा मृत्युधारी होते हैं, यानी उनकी विश होती है डेथ पर, डेथ उनके कंट्रोल में होती है, जब वो चाहेंगे
तब उन्हें डेथ होगी, तब उनका शरीर बंद होगा, तब उनका सॉफ्टवेयर बंद होगा। जब तक वो नहीं चाहेंगे, चाहे शरीर कितना डैमेज हो जाए उनका हार्डवेयर, चाहे उनका जो पूरा आंखें खराब हो जाए या नाक खराब हो जाए, शरीर कुछ भी खराब हो जाए, मगर डेथ उनकी तब होगी जब वो चाहेंगे। ये जो बोधि प्राप्त करते हैं, और अर्थ में भी ये बात काफी हद तक आ जाती है, बुद्ध में तो होती है, तो इच्छा मृत्यु उन्होंने 4 महीने पहले कहा था कि अब मैं वैशाख पूर्णिमा को अपना शरीर छोड़ दूंगा, और वैशाख पूर्णिमा की रात के अंतिम पहर में उन्होंने अपनी सांस बंद कर ली, अपने आप बंद की है। तो जो व्यक्ति अपनी डेथ फाइल को होल्ड कर सकता है, वो एक एक फाइल को रीड करता है तब कर सकता है। उन्होंने अपनी सारी फाइलें रीड की, उन फाइलों को रीड किया, उनको रीराइट किया, उनको फिर डिलीशन किया, उनको एडिशन किया, उनका सबट्रैक्शन किया, वो सब कर सकते थे। उन्होंने अपना जो सॉफ्टवेयर था उसको प्योरीफाई किया, सारी जितनी भी उसमें वायरस थे वो निकाल दिए, इसलिए वो शुद्ध हो गए और प्योर हो गए, और प्योर होकर उनका सॉफ्टवेयर काम करने लगा। इसलिए ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है, जिसको आजमानी है, जिसको डिप्रेशन है, जिसको परेशानी है, बिना सोचे बिना समझे सीधा विपसना सेंटर vipassana.org बाई SN गोयनका, सिर्फ SN गोयनका वाले में जाएं, बाकी में तो व्यापार भी हो सकता है, वहां फ्री है। आप जाइए, 10 दिन लगा के आइए, बहुत सिंपल छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं। आपका डिप्रेशन अगर ना चला जाए, अगर आपने ठीक किया है, तो आप ये मान लेना कि आपने जीवन में वो विद्या जो हजारों लोगों ने चेक की और हजारों लोगों ने की है, वो आप ढंग से आजमा नहीं पाए, क्योंकि विद्या पूरी पूरी 100% गारंटेड है। अगर आपका मानसिक रोग है तो वो जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Shut up.